Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. आज जहां पर मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी जगह पर आके क्लोज हुआ है. तो हर मंडे की तरह आज भी एक स्लगिश एक चॉपी मार्केट देखने को मिला. फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो ये 5 मिनट का निफ्टी की इंडेक्स का चार्ट है. आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था. फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,201 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,119. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ने ओपन होते ही फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव कर लिया. एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास इसने इस लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया. यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ आया. 50 EMA का सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ. तो फर्स्ट टारगेट का लेवल जो था एग्जैक्ट इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया. फिर से 50 EMA का सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ. फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया. यहाँ से फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर से एक बार सेकंड टारगेट को अचीव किया. इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया. तो लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए. वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए. प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता था. अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं, फिर 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं. ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. वीकली चार्ट में हमने देखा है फ्राइडे के वीडियो में कि कैसे वीकली चार्ट में राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था. तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करके देखिए कहाँ पर नेक्स्ट लेवल्स आ रहे. तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करूँ, ये स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो आज 61.8% के लेवल के पास ये इसने रेजिस्टेंस फेस किया. तो इस लेवल को भी अचीव करने के बाद अभी क्या नेक्स्ट ये 100% के लेवल को अचीव करेगा? तो उसके लिए इसको कल का आज का हाई जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा और उसके ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो ही हमें इस लेवल तक निफ्टी पहुँचते हुए दिखाई दे सकता है. लेकिन 50 और 61.8% के लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है. अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो इसको ये जो सेलिंग प्रेशर का लेवल है, एक ज़बरदस्त वीक कैंडल यानी रेड कैंडल बना था पास्ट में जिसका हाई ऑलमोस्ट 15,300 के आसपास था. तो 300 के पास आते ही बुल्स को काफ़ी फाइट करनी पड़ेगी बेयर्स के साथ. तो अगर 15,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें 15,430 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं. लेकिन अगर हम आर्ली चार्ट में चले और देखें प्राइस एक्शन और RSI का बिहेवियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI जो है वो लोअर हाईज क्रिएट कर रहा है. ठीक है, प्रीवियस हाई से करंट हाई ये लोअर है, यानी प्रीवियस हाई के नीचे नेक्स्ट हाई बना है. और अगर आप यहाँ पर देखें प्राइस एक्शन में तो ये हायर हाइज कंटिन्यू बना रहा है. तो ये क्लियर कट नेगेटिव डाइवर्जेंस है. ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है. जब भी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई देते हैं तो प्राइस एक्शन में एक फॉल आता है. अभी इसने 61.8% का लेवल भी अचीव कर लिया है जैसे कि हमने डेली चार्ट में देखा. तो यहाँ पर हमारे कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं? अभी कल के लिए हमारी ब्रेकआउट लेवल तो होगी जहाँ पर आज इसने दो बार रेजिस्टेंस फेस किया. हमने देखा 5 मिनट के चार्ट पे उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, क्लोज नहीं हो पा रहा था. तो 15,245 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा कल के लिए यानी 25 मई के लिए. और इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा 15,269, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा. और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 15,289, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा. और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल 60 मिनट के चार्ट में यानी 15,170 ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल. और इसके नीचे सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं. और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,152, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा. और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA का पिंक लाइन जो कि अभी इस वक्त 15,130 के पास आ रहा है और जहाँ पर इसने ये लास्ट स्विंग हाई बना है. तो जो स्विंग हाई बना है जहाँ पर इसने हर्डल फेस किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था, वो आगे जाके सपोर्ट का काम कर सकता है. तो यहाँ से हो सकता है निफ्टी 20 EMA को सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक हो. और अगर ये लास्ट स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी यहाँ से और गिरावट दिखाई दे सकती है. तो ये लेवल्स है निफ्टी के लिए कल के लिए, इंट्राडे लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस.
अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर भी लेवल्स देखे जो हमने फ्राइडे को मार्क किए थे, काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। एग्जैक्ट किसी के पास रेजिस्टेंस फेस किया है, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, और क्लोज भी जो आज हुआ है वो ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के पास यहाँ पर ही क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स जो थे काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं बैंक निफ्टी के, तो ज़्यादा क्लियर आइडिया आ सकता है। ये देखिए, ये है 60 मिनट का चार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल क्या होगा, आज का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल यानी 35,157, ये होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करें तो ही बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,259। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 35,369, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोज आर्ली चार्ट में बन रहा है 34,704, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। और इसके नीचे सस्टेन करें तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,602, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA का पिंक लाइन जो कि 34,492 के आसपास है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट लेवल्स कल के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।